आपको बता दें कि हाथरस के प्रमुख चौराहे बरेली, मथुरा और अलीगढ़ आगरा को आपस में जोड़ने वाले तालाब चौराहे पर पुल की मांग बरसों से चली आ रही थी। अब यह पुल बनकर तैयार हो चुका है और उद्घाटन की बात जो रहा है। हाथरस के प्रभारी मंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह के द्वारा 25 अगस्त को इसका उद्घाटन किया जाना था, लेकिन उनके स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में अलीगढ़ जाने के कारण उद्घाटन का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। पुल चालू नहीं होने के चलते अभी हाथरस के लोगों को कुछ दिन और जाम के झाम का सामना करना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई VIP फीता काटने को समय नहीं देगा तो क्या पुल चालू नहीं होगा? वासियों को शहर के जाम में ऐसे ही सिसकना पड़ेगा, जबकि यह पुल हाथरस को जाम से निजात दिलाने के लिए बना था। पर अब मंत्री जी के समय नहीं देने से हाथरस वालों के साथ ही हाथरस होकर गुजरने वाले भारी लोगों को भी अभी कुछ समय और जाम में फंसना पड़ेगा। देखिए हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक वुमन नेश में राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण वाश ने आज हाथरस जनपद के ओवरब्रिज की उद्घाटन के रूप में उम्मीद जगी थी कि हाथरस की जनता जाम से बच सकेगी, लेकिन प्रभारी मंत्री जी द्वारा समय न दिए जाने के कारण आज उसका उद्घाटन नहीं हो सका। हाथरस की जनता काफ़ी मायूस है, क्योंकि उसने बरसों इस जाम झेला है, जाम में घंटों इंतजार किया है और संघर्ष किया है इस पुल के निर्माण के लिए, आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन और संघर्ष के बाद इस पुल का निर्माण होने के बाद उसकी उम्मीदों पर एक बार पुनः पानी फिर गया है। हम लोग पुनः जिला प्रशासन से जनप्रतिनिधियों